चलो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंस वाला पार्ट तो हो गया था आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि रिफ्रैक्शन जब होता है प्रिज्म से उस कंडीशन में डेविएशन का रिलेशन रिफ्रैक्टिव नेक्स के साथ क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ क्या है ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे ठीक है तो इसमें सबसे पहला एक प्रिज्म हम ले लिया है ए बी सी इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसमें ए बी वन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा रिफ्रैक्शन जो होगा ए सी से होगा तो यहाँ पे जो रे डायग्राम हम लोगों को ये समझना है कि जब पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होता है इसका मतलब ये बेस जो बना है बी सी इसके पैरल हो जाता है रिफ्रैक्टेड रे विद इन ग्लास प्रिज्म फिर इसका रिफ्रैक्शन ए सी के थ्रू होता है तो बेंड कर जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो इसको हम लोग पहले रिफ्रैक्शन से चेक करते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट सबसे पहला ये हमारा रिफ्रैक्टिंग ग्लास प्रिज्म ए बी सी हमने इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस शो किया यहां से लाइट इंटर किया जिसको इंसिडेंट रे कहेंगे ये हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस सरफेस का भी नॉर्मल एक साथ हम लोग ड्रॉ कर लें आफ्टर रिफ्रैक्शन पेंट कर गया टुवर्ड्स द नॉर्मल यही हमने पी क्यू इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट किया ये जो नॉर्मल है यहां जो नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा नॉर्मल का लाइन है इसके साथ जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो पहला ए बी से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन आई सॉरी और रिफ्रैक्शन आर वन फिर ये क्यू आर जो लाइन है ये बेस के पैरल हो गया फिर इसका रिफ्रैक्शन क्यू आर का इस एसी सरफेस से होगा ये नॉर्मल ड्रॉ किया आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहां से जो एंगल बना ये इसके लिए इंसिडेंट रे और इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू से रिप्रेजेंट किया और यह हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस ई हो यदि इस रे का डेविएशन नहीं होता इसके कलर को हम चेंज कर रहे जिससे आपको समझने में आसानी होगी इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता तो यह डॉटेड लाइन जो येलो कलर को है उसको फॉलो कर रिफ्रैक्शन होके ये हम लोगों को आर एस एक इमरजेंट ट्रे मिला है इसको हम बैकवर्ड ड्रॉ कर दे तो जहां पर ये एंगल फॉर्म कर रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने यहां डेल्टा रिप्रेजेंट किया और ये पॉइंट एम दिखाया है और यहां का ये पॉइंट एन शो किया है समझ में आ गया रे डायग्राम क्लियरली सबको अब इससे हम लोग सबसे पहले रिफ्रैक्शन ए से जो हो रहा है उसके लिए मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और यहां पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करेंगे बाई को एंगल ऑफ प्रिज्म डेविएशन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए के फॉर्म में लाएंगे यहां पर हम लोगों को रिलेशन ए आर वन आर टू डेविशन जो कि डेल्टा एम भी हम लोग कंसिडर करेंगे बताएंगे रीजन तो ये सारे पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करते हुए हम लोग फाइनली ये रिजल्ट निकालेंगे डेल्टा एम बाई टू होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू ये हमारा फाइनल रिजल्ट अब इसी पर हम लोग तो पहले ये रिफ्रैक्शन का जो हमने बताया रे डायग्राम इसमें किसी को डाउट नहीं है आगे बढ़ते हैं तो यहां हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए एबीसी हमने कहा कि प्रिंसिपल सेक्शन का अब ए रे ऑफ लाइट एंटर किया पी क्यू और इसका रिफ्रैक्शन हुआ क्यू की वर्ड्स और फाइनली आर एस हम लोगों को मिला और इस कंडीशन में ये हम लोग यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ले रहे हैं और एंगल ऑफ इमरजेंस आर ले रहे हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल आर वन आर टू ठीक है नेक्स्ट पार्ट हमारा मैथमेटिकल 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 पार्ट में देखिए क्या इन ट्राइंगल क्यू एम आर में आ जाए क्यू एम आर में आएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बोलिए क्या रिजल्ट आएगा चेक छे, कीजिए देखिए डेल्टा हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ठीक है इसी को देखिएगा ध्यान से इन ट्राइंगल क्यू एम आर क्यू एम आर में आ जाए ये एंगल हमारा बन गया I- माइनस आर वन ये एंगल हमारा बन गया गौर से देखो जल्दी से बताओ माइनस e कंफर्म चलो अब इस पूरे ट्राइंगल में इन ट्राइंगल जो हमने यहां पर लिखा है क्यू एम आर इस ट्राइंगल में एंगल ये एम क्यू आर लिख दिया यहां पर आई माइनस आर वन और एंगल क्यू आर e एम ई माइनस आर टू डेल्टा एक्सटीरियर एंगल हो गया जो कि आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू के सम के इक्वल हो गया देखो क्लियर है यहां तक अब इस दोनों को वही यहां पर लिखा हुआ है, ये इक्वेशन अब इसको सिंप्लीफाई करो आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू ये इक्वेशन वन आ गया बातचीत नहीं करो तो डेल्टा का वैल्यू आ गया अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है क्यू एन आर ये एंगल ये एंगल और ये एंगल इन सब का सम कितना 180 डिग्री यही लिखा ट्रैंगल क्यू एन आर में एंगल एन प्लस एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री अब आ जाए क्यू क्यू एन आर एक साइकिल क्वारल फॉर्म करता है ये आपने पढ़ भी रखा है कि बिल्कुल ये यह सेंटर यहां से आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो उसके वर्टिक्स को टच करता हुआ जाता है। इसलिए फाइनली यहां पर एंगल ए प्लस एंगल एन का सम 180 डिग्री तो ये दोनों इक्वेशन से आप चेक करो एंगल एन और एंगल एन कैंसिल हो जाएगा दोनों को हम इक्वेट कर दें तो R1 वन प्लस आर का वैल्यू क्या आ गया इक्वेशन तो दो इक्वेशन हमको इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला पहला इक्वेशन क्या मिला डेल्टा डेविएशन I प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू ये इक्वेशन मिला और ये हमेशा आपको याद रखना है A इक्वल टू आर वन प्लस आर ये दो इक्वेशन से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां तक क्लियर है सबको हंड्रेड परसेंट ठीक अब यहां पर देखो जो डेविशन डेल्टा है वो किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है डेविएशन डेल्टा हम लोग डेविशन निकाले थे डेविशन प्रोड्यूस्ड बाई रिफ्लेक्शन में डेल्टा का वैल्यू निकाले थे पाई माइनस टू थी इसका मतलब यहां पर डेल्टा जो आ रहा है वो पाई माइनस टू आई इसका मतलब जितना ज्यादा आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा डेविएशन उतना डिक्रीज करेगा तो एंगल को हम इंक्रीज करते जाए तो डेविएशन क्या आएगा मिनिमम और फिर एंगल को हम कम करते जाए तो डेविएशन क्या आएगा मैक्सिमम आएगा यह एक रिलेशन आता है तो इसका मतलब हम लोग मिनिमम डेविएशन के कंडीशन तक जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के बीच रिलेशन देखेंगे तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं यहां पर वही है इसलिए हमने डेविएशन को ड्रॉ नहीं किया सिंपल ये दिखाया कि इस कंडीशन में क्या आता है तो हम डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच एक ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ का नेचर क्या आता है वो चेक कीजिए आप देखिए ध्यान से हमने क्या कहा डेल्टा का वैल्यू होता है पाई माइनस टू आई आई के वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो डेविएशन डिक्रीज करता जाएगा ये ग्राफ है यहां डेल्टा का आई का कुछ वैल्यू है सपोज थर्टी डिग्री फिर हमने फोर्टी रखा तो आई का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता जा रहा है। फिर मान लो हमने 50 रखा 60 रखा इस तरह से वैल्यू इंक्रीज डेविएशन का कंडीशन निकाल लिया फॉर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम डेविएशन डेल्टा उसके बाद ये फर्दर क्या होगा इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब डेविएशन ये था हमारा इंसिड इमरजेंट के साथ तो यहां पर मिनिमम डेविशन आ गया तो इसका मतलब ये रे क्या हो गया इस तरह से बेस के पैरल हो गया इसका मतलब ये कंडीशन तभी फुलफिल करेगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल हो जाएंगे और आर वन इज इक्वल टू आर टू हो जाए अब एट मिनिमम डेविएशन हमारा रिजल्ट क्या आता है वो हम लोग देखते हैं एट मिनिमम डेविएशन ये सारे कंडीशन मिनिमम डेविएशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था? माइनस आर वन प्लस आर टू जिसमें ये बन गया हमारा डेल्टा एम ये दोनों एंगल इक्वल टू आई और ये आर वन प्लस आर टू हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिखा था वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए तो ये बन गया ए अब इससे टू आई का वैल्यू मिल गया डेल्टा एम प्लस एर इज इक्वल टू ए इससे आर का वैल्यू क्या आ गया ए बाई टू और इससे क्या वैल्यू आ गया आई का वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन आई बाई साइन आर तो साइन आई की जगह पर वैल्यू डाल देंगे और साइन आर की जगह पर आई की जगह पर क्या आ गया भाई ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और आर की जगह पर क्या आ गया साइन ए बाई टू यही फाइनल रिजल्ट हम लोगों का आ गया समझ में क्लियर हंड्रेड परसेंट एक बार हम लोग अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लें, तो यहां पर हमारा मिनिमम डेविशन का कंडीशन है तो मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में डेल्टा को डेल्टा एम लिख देते हैं आई को ई e के इक्वल आर वन को आर टू के इक्वल जो आर मान लिया तो इक्वेशन वन हमारा जो है डेल्टा जो था वो क्या बना था आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू तो डेल्टा एम का वैल्यू और इससे आई का वैल्यू निकाल लिया और सेकेंड इक्वेशन आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए था जिससे हम लोगों को आर का वैल्यू ए बाई टू आ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहां तक आ गया समझ में चलो अब रिलेशनशिप हम लोग एंगल ऑफ डिविशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच निकालेंगे तो पहला रिफ्रैक्शन हमारा ए बी फेज से हो जाए एवी फेस से रिफ्रैक्शन होगा तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखेंगे तो तो का वैल्यू पहला हमारा रिफ्रैक्शन जब ए सी हुआ था साइन आई बाई साइन आर, तो आर, तो आर वन एंगल स्मॉलर है तो आई को क्या लिख सकते आई, आई साइन आर वन को आर वन आई का वैल्यू क्या मिल जाएगा म्यू आर वन याद रखना है? फिर दूसरा रिफ्रैक्शन किस सरफेस से होगा एसी से एसी से क्या लिखेंगे साइन ई बाई साइन आर टू ठीक लिख दिया इसके भी एंगल को रेडियन में लिखा तो ई बाई आर टू आ गया ये दो रिजल्ट हम लोगों को मिल गया ठीक अब डेविएशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास डेविएशन का फॉर्मूला क्या था जल्दी से बताओ डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू यही था अब आई कितने के बराबर हुआ म्यू आर वन म्यू आर वन प्लस ई कितने के इक्वल हो गया म्यू आर टू आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल है आर वन प्लस आर टू ए के इक्वल है इसलिए म्यू यहां पर कॉमन ले लिया तो आर वन प्लस आर टू ए बन गया और ये भी ए बन गया ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बन गया म्यू माइनस वन इसलिए एंगल ऑफ डिवीशन का फॉर्मूला बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में म्यू माइनस वन इंटू ए ए को हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल ग्लास प्रिज्म का लेते हैं या इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म यहां तक क्लियरली सबको आर्यन को आज कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है चलिए तो डेल्टा का वैल्यू ये पढ़ के आया तो डेल्टा का वैल्यू म्यू माइनस वन इंटू ए ये रिजल्ट याद रख ठीक अब कहता है कि यदि पूरे एपरेटस को हम किसी लिक्विड में इमर्ज कर दे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या चेंज करेगा क्या तरीका सिखाया था कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं जल्दी से सुधांशु बताना क्या तरीका बताया था इनको ठीक कर ये वाला ये वाला पोर्सन और और नहीं नहीं ठीक है रहने उसको हाँ साइल वो वाला पोर्सन उधर उधर से आ रहा है शायद एक मिनट क्या ये वाला नंबर था ये हाँ ये 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 इसको ऊपर चढ़ो उसको ठीक करो शैडो आ रहा है हाँ तो उठो अरे इसको अपना घर समझ के करो है चलो हाँ बस बस सार। चलो ठीक बट शैडो खत्म हो गया तो हमने कहा कि इंटायर एप्रेडस को हम किसी लिक्विड में इमर्ज कर दे तो क्या तरीका सिखाया था मैथमेटिकली कहा था मीडियम लिखते हैं म्यू लिखते हैं और मेटीरियल लिखते हैं अब मान लो इसको वाटर में हम लेके चले गए तो डब्ल्यू म्यूजी लिखेंगे याद है ना डब्लू बब्लू तो आर्यन बब्लू जी कैसे लिखेंगे तो सबस्क्रिप्ट को हम लोग पहले लिखते हैं नोमरेटर में सुपरस्क्रिप्ट को डिनोमिनेटर में और हमेशा एयर के रेस्पेक्ट तो हम लोगों ने जो रिजल्ट पढ़ा ये एयर के लिए था तो ए प्लस डेल्टा एम बाई टू होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू था जब इसको हम लोग किसी लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो ये लिखेंगे डब्ल्यू म्यू जी और यहां एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल में कोई चेंज नहीं सिर्फ एंगल ऑफ डेविएशन में चेंज होगा और जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो इसको नमरेटर में लिखेंगे मतलब ए g डिवाइडेड बाय ए म्यू डब्ल्यू साइन ए प्लस डेल्टा एम डैस बाई टू whole डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू बोलो क्लियर है यस नो यही रिजल्ट हम लोगों का आएगा ठीक तो रिजल्ट यही हम लोगों का आ गया यही लिखा है देखो डेल्टा एमडास होगा ठीक m एमडास छूट गया डेल्टा m अब दूसरा कंडीशन कहता है कि कब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस मीडियम से टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन तो टोटल मतलब कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस इसका मतलब है कि टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो सेकेंड सरफेस से हो रहा है अब सेकेंड सरफेस से जब हो रहा है तो उस कंडीशन में वहां के लिए सेकेंड सरफेस के लिए एंगल आर टू मस्ट बी ग्रेटर ठीक तो एंगल आर टू का वैल्यू मस्ट भी ग्रेटर ले लो तो साइन आर टू मस्ट भी ग्रेटर सी और आर टू का वैल्यू क्या लिखा था एज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू तो आर टू का वैल्यू ए माइनस आर वन साइन थीटर सी और जब टी आई आर होगा तो आर वन ऑलमोस्ट नेग्लेजल उस कंडीशन में आर वन को जीरो कर दो साइन एम मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी और थीटा साइंथी को क्या लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन बाई म्यू तो मस्ट बी ग्रेटर देन साइनेई म्यू तो म्यू ग्रेटर देन ए ये याद रखिएगा रिजल्ट कि कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी और टी आई आर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द्लास समझ ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना ठीक है और आर्यन जी इसको आप याद रखिएगा इस फॉर्मूला को ठीक अब आ जाए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं कहता है ला...

म्यूजिकल इज इक्वल टू हम लोग क्या यूज कर रहे हैं साइन आई बाई साइन आर ठीक आर को हम लोगों ने क्या लिखा था ए बाई टू तो ये बन गया साइन ए बाई टू हमको क्या निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डिविशन तो पहले हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लें तो साइन आई इज इक्वल टू ए म्यू इन टू साइन आर टू बहुत सिंपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक और सॉरी ये यहां पर साइन ए बाई टू लिखाएगा साइन ए बाई टू कितना एंगल है रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 तो 30 हो गया तो क्या बन गया ये 1.5 पॉइंट फाइव इंटू वन बाई टू यह कितना आ गया 0.75, ठीक तो ये करीब करीब ये हमने वैल्यू इसलिए यहां पर सामने ये कर दिया कि एक अप्रोक्सीमेटली साइन 48.6 डिग्री के आसपास होता है ये आपको एग्जाम में गिवन होगा तो कहोगे सर कैसे ये एग्जाम में गिवन होता है यहां पर यहां पर ये ऐसे लिखा रहेगा साइन इनवर्स जीरो पॉइंट सेवन फाइव इज इक्वल टू फोर्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा रहा। इसको आप समझ जाएंगे कि साइन फोर्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री का वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन फाइव हमने लिख दिया है। ये क्वेश्चन में ऐसे बिग ब्रैकेट लिख करके लिखा ठीक है चलिए ये वैल्यू मिल गया अब डेविएशन का फॉर्मूला क्या था एंगल ऑफ डेविएशन टू आई माइनस ए आई का वैल्यू कितना मिल गया भाई 48.6 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री सॉल्व करेंगे तो 37.2 डिग्री हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते

1.5 इसका वैल्यू 1.33 पॉइंट थ्री थ्री इज इक्वल टू अब ये क्या बन गया साइन ए प्लस ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री डाल दोगे ये डेल्टा एम होगा बाई टू और ये साइन 60 का हाफ हो गया 30 सॉल्व कर लेना डेल्टा एम का वैल्यू आ जाएगा ये वैल्यू 1.5 पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई वन और ये हमारा है, आएगा 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई टू और ये साइन 31 वन बाई टू कैलकुलेट करने का तरीका ऐसे होगा क्योंकि बायो के भी बच्चे क्लास में हैं इस चीज को याद रखना ये इज इक्वल टू 1.5 कैलकुलेट करो तो जल्दी से कोई इनटू 0.5 का वैल्यू बताना कितना है जल्दी से ये टोटल जो सर्किल किया क्विक 1.5 पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव होल डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री थ्री जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके जीरो पॉइंट फाइव सिक्स थ्री ये वैल्यू गिवेन होता है ये वैल्यू गिवन होता है ठीक है अब ये करीब करीब तुम्हारा क्या जीरो पॉइंट फाइव हमारा थर्टी आता थोड़ा सा उससे ज्यादा मान के चलते आपको समझाने के लिए फोर्टी के आसपास ये आर्यन है ना ये ये दूसरे प्लानिट से आया है तो ये यहां पर 40 मान ले इसको तो यहां साइन 60 प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू आ गया साइन 40 दोनों तरफ से साइन को हटा दो एलिमिनेट कर दो ध्यान दो 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू इज इक्वल टू 40 तो 60 प्लस डेल्टा एम सिर्फ आपको कैलकुलेशन करने का तरीका से ठीक है और ये आपको एग्जाम में मिलेगा इसका वैल्यू तो यह रिजल्ट करीब करीब एट पॉइंट सिक्स आ रहा उससे मतलब नहीं हमने आपको कैलकुलेशन करने का तरीका से नेक्स्ट क्वेश्चन आते

अब आ जाए जिससे पूछेंगे वही जैसे कहता है कि यहां पर जिससे पूछेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत सिंपल बस एक गो थ्रू होने के द एंगल बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड जिससे पूछेंगे हाँ आर्यन जल्दी से बता दो हा एंगल ऑफ या एंगल बिटवीन इमरजेंट्री एंड इंसिडेंट इंसिडेंट्री सबसे ज्यादा उसी का यूज हुआ इसमें उसी का ग्राफ भी बना है गड एक्सलेंट बहुत बड़े बेवकूफ है आप जो मन में आए घर की खेती है बोलते जाओ ना गट लॉक कर दे गधा कहीं का अभी हमने सिखाया आपको कि ये ग्लास प्रिंस से जब रिफ्रैक्शन होता है डेविशन नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन और ये इमरजेंट रे ये दोनों मिल रहे हैं ये डेविशन डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है इसलिए ये एंगल ऑफ डेविशन होगा तो आंसर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभय के लिए एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेवियशन क्या हुआ ग्राफ के अकॉर्डिंग आई और डेल्टा के बीच अभी जस्ट ग्राफ पड़ा जल्दी से बताओ आई और डेल्टा के बीच ग्राफ पड़ा जल्दी बताओ ए? हाँ ग्राफ का नेचर क्या था अबे अपनी कॉपी में ग्राफ बना के हमको वहां से शो करो अबे जल्दी से बताओ ए? चलो किसको किसको जवाब आता है तुम नम्रता बताओ डी चलो तुम्हारा अरे बेवकूफो तुम लोग ये ग्राफ का नेचर आया था तो फर्स्ट डिक्रीजेस एंड इंक्रीज़ेस डी ऑप्शन तो देख रहे हैं कि क्लास में कौन अलर्ट है, है। इसलिए हम जानकर के एक दो क्वेश्चन ऐसे इससे पता चलेगा आपकी क्या स्थिति डी ऑप्शन हो गया वो गलत दी है डी होगा वो गलत है वो डी होगा ठीक है ना एंगल ऑफ समझ में आ गया ये हमने इसलिए आपको सिखा रखा था मिनिमम डेविएशन कंडीशन निकालते हो गया चलिए तो इस तरह से ऑलरेडी पहले से था पहले से था देखिए आप लोग फॉलो नहीं करते वो अलग बात आप लोग के लिए क्या है ना